हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपना यूट्यूब चैनल जी एस बाई इंद्रजीत सर पे आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। हम यहाँ पर आपके लिए बहुत विस्तार में बात करने वाले हैं। भले वह जीके जीएस का कोई भी पार्ट होगा उसका पूरा डीपली चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम गमाए हुए बात करते हैं कि हमारे हार्ट हृदय क्या होता है, दिल क्या होता है। और आपने बच्चा में गाना भी सुना होगा कि एक गो दिल चाहिए, दो गो जान, आ केकरा के दिए ओ भगवान, केकरा के दिए ओ भगवान। क्या समझ रहे हैं बात को? हार्ट के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। जबकि जो व्यक्ति हार्ट के बारे में अध्ययन करता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हार्ट के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद एक सामान्य मनुष्य का हार्ट का जो वजन होता है वह 280 से 300 ग्राम होता है। जबकि बॉर्न बेबी होता है उसके हार्ट का वजन 20 से 25 ग्राम होता है। जबकि हमारे हार्ट में एक भी हड्डी नहीं होता है, हमारे दिल में एक भी हड्डी नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि हार्ट क्या है? तो मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है। अब गौर से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लोकेशन का मतलब हो गया कि हार्ट का स्थान किधर है। तो मेरे भाई थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, यह जो हार्ट होता है ना, हमारे फेफड़ा के थोड़ा सा बाएं साइड, दिल का लोकेशन पूछेगा कि दिल है किधर। तो थोड़ा सा इस साइड अमाशय होता है, पेट होता है, जिसके कारण इस साइड का फेफड़ा थोड़ा सा छोट होता है। मेरे दोस्त, ऐसा होता है। यहां पर मेरा हार्ट होता है। तो हम ऐसा बात कह सकते हैं क्या कि इस साइड थोड़ा सा जगह होने के कारण, बाएं साइड थोड़ा सा जगह होने के कारण मेरे हार्ट का जो झुकाव होता है वह बाएं साइड होता है, जबकि मेरा हार्ट होता है बीच में। और बीच वाले भाग को हम लोग मीडिया स्टेनम कहते हैं, और जो फेफड़ा में जगह है इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक नोच कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं हृदय गुहा कहते हैं। तो सबसे पहला आंसर तो ये हो सकता है कि बाएं साइड होता है। रियल में आपका हार्ट बाएं साइड होता नहीं है, लेकिन बाएं साइड थोड़ा सा जगह होने के कारण बाएं साइड झुकाव होता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि मेरा हार्ट होता है बाएं साइड और रियल में मेरा हार्ट बाएं साइड नहीं होता है। वह बाएं साइड उसका झुकाव होता है क्योंकि बाएं साइड थोड़ा सा जगह है जिसको कार्डियक नोच कहा जाता है, हृदय गुहा कहा जाता है, मतलब दिल को रहने वाला गुहा है। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान है। तो हम कह सकते हैं क्या मेरा हार्ट थोड़ा सा बाएं साइड होता है। रियल में हार्ट बाएं साइड होता नहीं है, फेफड़ा के बीचों बीच होता है, मीडिया स्टेनम में होता है फेफड़ा के बीचों बीच मतलब मीडिया स्टेनम में होता है फेफड़ा को बीचों बीच होता है
फेफड़ा के बीचों बीच होता है मीडिया स्टेनम में, जो फेफड़ा के बीचों बीच का जगह होता है उसको मीडिया स्टेनम कहा जाता है, मीडिया स्टेनम कहा जाता है, मीडिया स्टेनम कहा जाता है, वह मीडिया स्टेनम के बीच में होता है, उस मीडिया स्टेनम के बीच में होता है। लेकिन इस साइड थोड़ा सा जगह होने के कारण मेरा हार्ट बाएं साइड थोड़ा सा झुक जाता है, जिस कारण कहा जाता है कि हार्ट का झुकाव किधर होता है, तो बाएं साइड होता है। अब गौर से सुनिएगा, पहला आंसर वह दे सकते, दूसरा आंसर यह दे सकते, तीसरा आंसर दे सकते हैं कि हृदय गुहा में होता है, हृदय गुहा में होता है। अब चौथा आंसर क्या सुनिएगा कि हमारे शरीर में पसली की संख्या 12 जोड़ी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेरे हमारे हृदय में पसली की संख्या क्या होता है मेरे भाई, 12 को होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यह जो 12 को पसली होता है उसमें दूसरा ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो गया छठा। दूसरा और छठा पसली के बीच में, दूसरा और छठा पसली के बीच में मेरा हॉट होता है। तो मेरा हॉट का लोकेशन क्या निकल गया, सेकेंड एंड सिक्स्थ। मतलब हार्ट ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा हार्ट होता है वह दूसरा और छठा पसली के बीच में होता है, वह दूसरा और छठा पसली के बीच में होता है। मतलब पहला बात यह कह सकते हैं कि जो मेरा हार्ट होता है वह थोड़ा सा बाएं साइड होता है, या ये भी कह सकते हैं फेफड़ा के बीचों बीच में होता है, मतलब मीडिया स्टेनम में होता है, मीडिया स्टेनम में होता है, या ये भी कह सकते हैं कि हृदय को रहने के थोड़ा सा बाएं साइड जगह होता है जिसको गुहा कहा जाता है, जिसको नोच कहा जाता है, इसलिए उसको कार्डियक नोच कहते हैं, हृदय गुहा कहते हैं, हृदय गुहा में स्थित होता है। तब चार चार को आंसर दे सकते हैं। पहला आंसर क्या दे सकते हैं कि हार्ट थोड़ा सा बाएं साइड होता है, हार्ट थोड़ा सा बाएं साइड होता है। दूसरा बात आप ये कह सकते हैं कि हार्ट दूसरा और छठा पसली के बीच में होता है, जबकि हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ा में पसली की संख्या 24 को होता है, 12 जोड़ी। जब जोड़ी पूछेगा तो 12 जोड़ी, और संख्या में पूछेगा तो 24 को। तब बाएं साइड के फेफड़ा के तरफ दूसरा और छठा पसली के बीच में होता है, दूसरा और छठा पसली के बीच में मेरा हॉट पाया जाता है, मेरा हॉट पाया जाता है। कौन सा पसली के बीच में? दूसरा और छठा पसली के बीच में, दूसरा और छठा पसली के बीच में। तो चार को आंसर दे सकते हैं। पहला दे सकते हैं कि बाएं साइड होता है, बाएं साइड होता है। आप दूसरा क्या दे सकते हैं कि फेफड़ा के बीच वाला जो जगह होता है उसको मीडिया स्टेनम कहते हैं, तो मीडिया स्टेनम में हो सकता है। आप तीसरा आंसर यह भी दे सकते हैं, कार्डियक नोच में होता है, हृदय गुहा में होता है, कार्डियक नोच में होता है, हृदय गुहा में होता है, कार्डियक नोच में होता है, हृदय गुहा में होता है। और चौथा आंसर आप ये भी दे सकते हैं कि दूसरा और छठा पसली के बीच में होता है, दूसरा और छठा पसली के बीच में होता है। तो मेरा हार्ट, हार्ट का, हृदय का आपको लोकेशन, लोकेशन पता चल गया होगा। तीसरा, अब चौथा आंसर ये कह सकते हैं कि दूसरा, दूसरा एंड छठा, छठा पसली के बीच में होता है। पसली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं, रिब्स कहते हैं। जबकि पसली की संख्या कई गो होता है? 24 को होता है। पसली कई गो होता है? 24 को। क्वेश्चन पूछा कै जोड़ी होता है, तो 12 जोड़ी होता है, 12 जोड़ी होता है। तो हमारे शरीर में जो पसली की संख्या होता है वह 24 को होता है, और कै जोड़ी होता है, तो 12 जोड़ी होता है, 12 जोड़ी होता है। अब हम लोग समझते हैं हार्ट के बारे में कि हार्ट है क्या। तो हार्ट मेरे भाई एक पंपिंग ऑर्गन है, यह पंपिंग करने का काम करता है। हार्ट हमारे शरीर का कैसा ऑर्गन है? तो यह पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, यह इसका पंपिंग ऑर्गन है। मतलब हम कह सकते हैं क्या, यह कोंची करने का काम करता है? तो पंप करने का काम करता है। और किसको पंप करने का काम करता है? ब्लड को करता है। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? खून कहते हैं, या ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं, या ब्लड को हिंदी में रुधिर कहते हैं, रुधिर कहते हैं, रुधिर कहते हैं। तो जो मेरा हार्ट होता है वह हार्ट मेरा पंपिंग ऑर्गन है, जो मेरा हार्ट होता है
वह मेरा हार्ट क्या है, तो पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है मेरे भाई, तो हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। लेकिन किसको पंप करेगा, तो ब्लड को पंप करेगा, खून को पंप करेगा, रक्त को पंप करेगा। मतलब कि ब्लड का ही 2-3 को नाम होता है, खून का ये तब, रक्त का ये तब, रुधिर का ये तब, इस सब का सब नाम किसका होता है, ब्लड का होता है, ब्लड का होता है, ब्लड का होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हमारा हार्ट, अब हम लोग समझते हैं कि मेरा हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट में क्या क्या होता है मेरे दोस्त, अब इसके बारे में समझते हैं। अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, हार्ट के बारे में। मेरे दोस्त, अगर ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा है और CO2 की मात्रा कम है, तो उसको हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध ब्लड कहते हैं, शुद्ध खून कहते हैं। लेकिन जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसको हम लोग इम्प्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध ब्लड कहते हैं, अशुद्ध खून कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गया वह खून खराब हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा वह ब्लड खराब हो जाएगा। मेरे भाई, वह ब्लड खराब नहीं होगा, कंडीशन यही है कि उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो वह अशुद्ध ब्लड कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उसको शुद्ध ब्लड कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। तो वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर ब्लड कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध खून कहते हैं। ऐसा ना है कि अशुद्ध वाला खून खराब हो गया, वह खराब नहीं है, वह खराब नहीं है मेरे भाई, वह ब्लड खराब नहीं है। उसमें केवल बात ऐसा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध खून कहते हैं, अशुद्ध खून कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध खून कहते हैं, शुद्ध खून कहते हैं। अब जो हमारे शरीर में धमनी होता है, जिसको इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, जिसको हिंदी में धमनी कहते हैं, उस धमनी में प्योर ब्लड का बहाव होता है, जबकि हमारे शरीर में वेन पाया जाता है, नस जिसको कहते हैं, नस पाया जाता है, इसका नाम वेन है, सिरा है, उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर का मतलब क्या हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। फिर से गौर से सुनिएगा, जिस खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो वह प्योर ब्लड कहलाएगा, और जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है उसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे। तो जिसके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है उसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे, अशुद्ध खून कहेंगे। और जिसके खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हम लोग प्योर ब्लड कहेंगे, शुद्ध खून कहेंगे। शुद्ध खून किस नस के द्वारा बहेगा, तो वह बहने वाला नस का नाम है धमनी, और इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, और हिंदी में कहते हैं धमनी। तो आर्टरी में मेरे भाई प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध खून बहता है, जबकि वेन बोले तो सिरा में अशुद्ध खून बहता है। क्या अशुद्ध का मतलब वह खराब हो गया, ना मेरे भाई, अशुद्ध का मतलब वह खराब नहीं है,
अशुद्ध का मतलब वह खराब नहीं है, अशुद्ध का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और शुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। इतना बात अब वो क्लियर हो गया। अब धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है, अगर वह धमनी मोट मोट हो जाएगा तो उसको हम लोग महाधमनी कहते हैं, इंग्लिश में ओटा या आयोटा कहते हैं, ओटा या आयोटा कहते हैं। तो जब धमनी पतला पतला तो धमनी है, आर्टरी है, आर्टरी है, जब वही धमनी मोट मोट हो जाएगा तो उसको हम लोग आयोटा कहते हैं, ओटा या आयोटा कहते हैं, ओटा या आयोटा कहते हैं। तो जब पतला पतला धमनी है, पतला पतला धमनी है तो उसको धमनी कहिएगा, आर्टरी कहिएगा, धमनी कहिएगा, आर्टरी कहिएगा, और वही धमनी मोट मोट हो जाएगा तो उसको हम लोग ओटा कहते हैं या आयोटा कहते हैं, उसको हम लोग ओटा कहते हैं, ओटा कहते हैं या आयोटा कहते हैं। वही सिरा पतला पतला है उसको सिरा कहेंगे, सिरा कहेंगे, और वही सिरा मोट मोट हो गया तो उसको वेना कावा, वेना कावा महाशिरा कहेंगे, महाशिरा। अब गौर से सुनिएगा, तो बात ऐसा हो गया कि धमनी में बहेगा प्योर ब्लड और सिरा में बहेगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। मेरे भाई कैपिलरी जो होता है, केशिका जिसको कहते हैं, केशिका कहते हैं, केशिका कहते हैं, वह कैपिलरी, वह केशिका धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करता है, धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करता है। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि धमनी और सिरा को जोड़ने का काम केशिका करता है, तो धमनी में हो गया प्योर ब्लड और सिरा में हो गया इम्प्योर ब्लड, तो केशिका में प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड होगा, प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड होगा, प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड होगा। फिर क्या धमनी के बारे में और कोई बात समझना है? धमनी के बारे में बहुत बात समझना है, सिरा के बारे में बहुत बात समझना है, केशिका के बारे में बहुत बात समझना है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्योर ब्लड का मतलब हो गया कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा उसको प्योर ब्लड, और जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा, तो उसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध खून कहते हैं, अशुद्ध खून कहते हैं। धमनी में कैसा खून बहेगा? तो शुद्ध, शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन वाला, शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन वाला, शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन वाला। सिरा में कैसा खून बहता है? अशुद्ध, अशुद्ध बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ऑक्सीड, अशुद्ध बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। वही धमनी मोट मोट हो जाएगा तो आयोटा कहलाता है, आयोटा कहलाता है, या ओटा भी कहते हैं, आयोटा भी कहते हैं। अब वही सिरा मोट मोट हो जाएगा तो वेना कावा कहेंगे, सिरा मोट मोट हो जाएगा तो वेना कावा कहेंगे, सिरा मोट मोट हो जाएगा तो वेना कावा कहेंगे, वेना कावा कहेंगे, मेरे भाई वेना कावा कहेंगे। अब गौर से सुनिएगा, हमारे हार्ट जो होता है, हृदय होता है, वह चार चेंबर में बटा होता है, चार चेंबर में बटा होता है, चार चेंबर में बटा होता है। अब क्या सर जी, मछली में कैगो होता है, सांप में कैगो होता है, मेढक में कैगो होता है? मेरे भाई जब चेंबर पढ़ा रहे तो सब चेंबर के बारे पढ़ाएंगे कि किसमें कितना चेंबर होता है, किसमें कितना चेंबर होता है, लेकिन हमारे हार्ट को चार भागों में बांटने वाला मांसपेशी, जो हार्ट को चार चेंबर में बढ़ता है, चार भागों में बढ़ता है, उसको हम लोग सेप्टम कहते हैं, उसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। मतलब हार्ट को चार भागों में बांटने वाला हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। उसके बाद हार्ट के या जो ऊपर में होता है उसको अलिंद कहते हैं। तो बायां साइड है तो बायां अलिंद, और दायां साइड हो तो दायां अलिंद, बायां साइड है तो बायां निलय, और दायां साइड है तो दायां निलय। इसको लोग कहते हैं दायां, दाया निलय कहते हैं, निलय कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं दाया, दाया अलिंद कहते हैं, दाया अलिंद कहते हैं, दाया अलिंद कहते हैं। लेकिन लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि जो हार्ट का ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना,
उसको अलिंद कहते हैं, इंग्लिश में एट्रियम या ओरिकल कहते हैं। क्या बोले? एट्रियम या ओरिकल कहते हैं, एट्रियम या ओरिकल कहते हैं, एट्रियम या ओरिकल कहते हैं। हिंदी में, हिंदी में अलिंद कहते हैं, हिंदी में अलिंद कहते हैं, हिंदी में अलिंद कहते हैं। अब ऐसे खड़ा है, मतलब इधर से है तो बायां, एने से है तो दायां। जबकि और किताब जब पढ़िएगा, ज्योग्राफी व्योग्राफी पढ़िएगा, तो उसमें ई वाला हो जाता है बायां और ई वाला हो जाता है दायां। लेकिन बायोलॉजी में जैसे घुमा हुआ वैसने बायां होगा, वैसने दायां होगा। मतलब इस साइड वाला होगा बायां और इस साइड वाला होगा दायां। मतलब हम आपकी ओर घूमे हुए हैं ना, तो हम इस साइड का हो गए बायां और इस साइड का हो गए दायां। तो जो ऊपर वाला होता है उसको अलिंद कहते हैं, और नीच से नीचे, और नीच से निलय, नीच से नीचे, और नीच से निलय। मतलब नीचे वाला को निलय कहते हैं और ऊपर वाला को अलिंद कहते हैं। अलिंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एट्रियम या ओरिकल कहते हैं, एट्रियम या ओरिकल कहते हैं। अलिंद को इंग्लिश में एट्रियम या ओरिकल कहते हैं, एट्रियम या ओरिकल कहते हैं। जबकि निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं, निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं, निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल। बोलिए बोलिए, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। तो आर्टरी मतलब क्या हो गया? धमनी। आ एट्रियम मतलब क्या? अलिंद। आर्टरी मतलब होता है धमनी, और एट्रियम मतलब क्या होता है? अलिंद। एट्रियम या ओरिकल, एट्रियम या ओरिकल, एट्रियम या ओरिकल। जबकि वेंट्रिकल मतलब क्या होता है? निलय। तो ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। अलिंद को इंग्लिश में एट्रियम या ओरिकल, एट्रियम या ओरिकल। अलिंद को, अलिंद को एट्रियम या ओरिकल, एट्रियम या ओरिकल, एट्रियम या ओरिकल। और निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल, 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 वेंट्रिकल। उसके बाद धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टरी, आर्टरी, आर्टरी। धमनी में कैसा ब्लड? शुद्ध। शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन वाला, शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन वाला। सिरा में, सिरा में अशुद्ध, सिरा में अशुद्ध, अशुद्ध बोले तो CO2 वाला, अशुद्ध बोले तो CO2 वाला। सिरा को इंग्लिश में वेन, सिरा को इंग्लिश में वेन, सिरा को इंग्लिश में वेन। धमनी को आर्टरी, धमनी को आर्टरी, धमनी को आर्टरी, धमनी को आर्टरी। सिरा को वेन, सिरा को वेन, सिरा को वेन, सिरा को वेन। धमनी को आर्टरी, धमनी को आर्टरी। वही आर्टरी मोट मोट हो जाएगा, तो इंग्लिश में ओटा या आयोटा कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं महाधमनी, हिंदी में कहते हैं महाधमनी, और इंग्लिश में ओटा या आयोटा कहते हैं। वही सिरा मोट मोट हो जाएगा तो उसको हम लोग वेनाकावा कहते हैं, वेनाकावा कहते हैं, महाशिरा कहते हैं, महाशिरा कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। मेरे भाई को और से सुनिएगा, तो जो हमारे दिल से लेके बॉडी के तरफ जाता है, प्यार हम करीला तो से पहले कलास से। क्या ये बात सुंदर है कि ना है? ये बात अच्छा है कि ना है? कबो प्यार किया है कि ना किया है? हाँ, दिल टूटा है कि नहीं टूटा है? ना टूटा है। रुपचा हम दिखाते हैं, दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। से इस चैप्टर में को दिखाना है कि दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मेरे भाई हमारा टूटल है, ऐसे टूट जाता है, नहीं ऐसे जुड़ जाता है, फिर टूट जाता है, जुड़ जाता है, फिर टूट जाता है, जुड़ जाता है, फिर टूट जाता है। का हो गया? दिल है, टूटता है, जुड़ता है, लेकिन रियल में दिल टूटता नहीं है मेरे भाई, मेरे सोना। दिल टूटता उड़ता नहीं है। कैसे? तो इस चैप्टर आपको हम समझाएंगे कि रियल में दिल टूटता उड़ता नहीं है, इसमें हड्डी नहीं होता है। अब सुनिए, अगर दिल से कोई खून लेके जाता है तो वह धमनी के माध्यम से जाएगा, और जो बॉडी से आएगा वह सिरा के माध्यम से आएगा। मतलब दिल से जो बॉडी की तरफ फैला हुआ तार, सब तार को कहिए नस, सब नस को इंग्लिश में वेसल्स कहते हैं, वेसल्स कहते हैं, वाहिका कहते हैं, नस कहते हैं। तो जो दिल से निकलकर पूरा बॉडी में फैला हुआ है, दिल से निकलकर पूरा बॉडी में फैला हुआ है, दिल से निकलकर पूरा बॉडी में फैला हुआ है, तो उसको हम लोग, उसको हम लोग वेसल्स कहते हैं। और वैसा वेसल्स आर्टरी, आर्टरी, धमनी, 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 धमनी। लेकिन जो बॉडी से आके दिल में घुस गया, जो बॉडी से आके दिल में घुस गया, तो उसको सिरा कहते हैं, सिरा, वेन। मतलब धमनी में होता है शुद्ध ब्लड, और सिरा में होता है अशुद्ध ब्लड। धमनी में शुद्ध,
सिरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध, सिरा में अशुद्ध। और धमनी कहाँ से कहाँ? दिल से बॉडी एन्ने ओन्ने एन्ने ओन्ने एन्ने ओन्ने सब तक पहुँचाएगा। तो धमनी कहाँ से कहाँ बहता है? तो धमनी बहता है दिल से बॉडी, दिल से बॉडी, हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी। और बॉडी से कौन आएगा? सिरा, इंग्लिश में वेन, इंग्लिश में वेन, इंग्लिश में वेन, इंग्लिश में वेन। तो जब बॉडी से खून लेके दिल के पास पहुंचाता है वह सिरा होता है, सिरा होता है। और जो दिल से खून लेकर बॉडी के पास पहुंचाता है वह धमनी होता है, वह धमनी होता है मेरे भाई, वह धमनी होता है। तो उम्मीद करें कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग कल से देखते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे कैसे हार्ट में होता है। यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमिलुनार वाल्व, आयोटिक वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, ये सब की चर्चा करेंगे। हार्ट कैसे पंप करता है, क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या होता है एचआईवी एड्स, क्या होता है मतलब बीपी कैसे बढ़ता है, मतलब ए टू जेड की चर्चा करेंगे, ए टू जेड की चर्चा करेंगे। जब हार्ट पढ़ लेंगे तो ये धमनी और सिरा के बारे में पढ़ेंगे, धमनी और सिरा के बारे में पढ़ेंगे। जब इसके बारे में पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है मेरे दोस्त, इस सब की चर्चा करेंगे, इस सब की चर्चा करेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है मेरे दोस्त तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों में अपने ग्रुप में जहाँ ना तहाँ शेयर कर दीजिए कि भैया आया है और बहुत अच्छा जीके जीएस पढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे ऑफलाइन पढ़ने के लिए तो सीतामढ़ी में मेरा रिंग बांध पर पीली कुटी पर चलता है, जिस बैच का नाम है अति कोचिंग का नाम है द जीएस अड्डा नाम है। अगर आपको संपर्क करना है तो मेरे चैनल पर जाके आप वहाँ से नंबर भी लेके संपर्क कर सकते हैं, हम बोल भी देते हैं 80-92-48-89-76, 80-92-48-89-76, 80-92-48-89-76 मेरे दोस्त। आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।